गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पार्शो कंप्यूटर्स के प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड्स के प्राइसेस। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्रोसेसर्स के साथ मदरबोर्ड भी कवर किया करो ब्रो, तो ये वीडियो में हम लोग प्रोसेसर्स के साथ मदरबोर्ड भी कवर करेंगे। इंटेल के मदरबोर्ड्स, एएमडी के मदरबोर्ड्स, मैं आपको ये वीडियो में सारे मदरबोर्ड्स दिखाऊंगा प्रोसेसर के साथ, और प्रोसेसर कॉम्बो क्या चल रहा है इनके पास वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं पार्शो कंप्यूटर्स में हमारे प्रोसेसर और मदरबोर्ड्स के क्या प्राइसेस चालू है। ओके श्रेयस सर, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड के प्राइसेस के ऊपर। हम लोग ने प्रोसेसर्स तो सारे अरेंज कर दिए हैं इंटेल और राइजन प्रोसेसर्स, पर ये टाइम पे हम लोग ने जितने हो सके हमारे साइड से पूरे मदरबोर्ड्स अरेंज कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर सबसे पहले मदरबोर्ड से। तो करंटली मदरबोर्ड्स में आपके पास कितने वैरायटीज अवेलेबल है? मदरबोर्ड्स में अपने लिए i3 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, पूरे रेंज अपने पास रेडी स्टॉक पड़ी है। बेसिक अगर स्टार्ट करते हैं अपन मदरबोर्ड में, तो एक बेसिक बोर्ड है अपना गीगाबाइट का H410। ये अपना i3 10 जनरेशन 11 जनरेशन दोनों को सपोर्ट करता है। इनबिल्ट 510 चिपसेट है, दो रैम के स्लॉट है और बेसिक एंट्री लेवल बोर्ड है। ये बोर्ड गीगाबाइट का है, ये आता है 410 चिपसेट, ये 5200 में पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट बोर्ड है MSI का H510, दो रैम स्लॉट है इसके अंदर और प्लस NVMe स्लॉट भी है इसके अंदर, और ये 10 और 11 जनरेशन दोनों को सपोर्ट करेगा। बेसिक बोर्ड है 10 11 के लिए, ये 5500 का बोर्ड है MSI का। उसके बाद में नेक्स्ट बोर्ड है B560, थोड़ा हायर बोर्ड है, अपर मिडल रेवर। ये B560MA प्रो है, दो रैम स्लॉट है, NVMe स्लॉट है, ये बोर्ड है 8500 रुपए का MSI का। और ये जितने भी आपने अभी मदरबोर्ड दिखा है ये सारे दो रैम स्लॉट्स के मदरबोर्ड है? हाँ, दो रैम स्लॉट के बेसिक बोर्ड है, माइक्रो ATX बोर्ड है मिडल रेंज में। ओके, और इसमें NVMe सपोर्ट है? हाँ है। ओके, तो चलो अभी आते हैं B460 टोमो के ऊपर। ये 12350 का बोर्ड है, 4 रैम स्लॉट, NVMe, फुल ATX, सब हीट सिंक सब लगा सकते हो इसके ऊपर। ओके, मतलब 4 रैम स्लॉट के मदरबोर्ड है और हीट सिंक प्लेट NVMe। ओके, तो क्या प्राइस है इसका? ये प्राइस है 12350। ओके, नेक्स्ट बोर्ड है B560M मोटर, ये माइक्रो ATX में है, NVMe स्लॉट है, 4 रैम स्लॉट है और i3 10 11 दोनों जनरेशन सपोर्ट के साथ में आ जाएगा। प्राइस आएगा 14300। नेक्स्ट बोर्ड आएगा Z490A प्रो MSI, फुल ATX बोर्ड, 4 रैम स्लॉट, NVMe स्लॉट, बेसिक NVMe सपोर्ट, और ये प्राइस इसका 17700। ओके, और इसमें NVMe हीट सिंक अवेलेबल है? ये मॉडल में भी NVMe हीट सिंक के साथ में ये बोर्ड फुल ATX है। ओके, जैसे कि हम लोग इधर देख सकते हैं गाइस, तो हीट सिंक अवेलेबल है और ये ज्यादा इतना RGB वाला मदरबोर्ड नहीं है, नॉर्मल मदरबोर्ड है। जिसको RGB चाहिए तो ये मदरबोर्ड उनके लिए नहीं है, उनके लिए हम लोग मोटर मैक्स टॉमोक ऐसे मदरबोर्ड्स RGB में अवेलेबल है, ये फुल ATX है, बाकी सब फीचर है, सिर्फ RGB ऑप्शन नहीं है इसके। ओके, नेक्स्ट मॉडल है B560M, ये वाईफाई बोर्ड के साथ में है, 4 रैम स्लॉट, माइक्रो ATX है, NVMe स्लॉट है, ये प्राइस है इसका 18500। तो इसमें भी 4 रैम स्लॉट्स अवेलेबल है? यस, वाईफाई 6 है लेटेस्ट। ओके, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, टफ गेमिंग का? टफ गेमिंग। ओके, तो क्या प्राइस है इसका? ये प्राइस 18500। नेक्स्ट बोर्ड है B560 Asus, ये प्लस वाईफाई। और आपने अभी पहले जो B560 दिखाया था और ये B560 में क्या फर्क है? ये थोड़ा सा साइज छोटा है, ये फुल ATX बोर्ड जाता है, ओके, माइक्रो से थोड़ा बड़ा है, बाकी फीचर सेम ही ऑलमोस्ट, और प्राइस में थोड़ा सा हल्का सा वेरिएंट है, ज्यादा इश्यू नहीं है। ओके, तो क्या प्राइस है इसका? ये 19200 का बोर्ड है, सेम 4 रैम स्लॉट, NVMe, वाईफाई 6। नेक्स्ट बोर्ड है Z490 यूनिफाई। ओके, अभी हम लोग आ रहे हैं यूनिफाई सीरीज में, जो बहुत ही अच्छी सीरीज है MSI की, जो प्रोफेशनल एडिटर्स है जिसको यूज करते बेसिकली। तो इसका क्या प्राइसेस है अभी? इसका प्राइसेस है 29850। और ये जो सारे आप मदरबोर्ड्स के हमें प्राइसेस बता रहे हो, ये सारे विद GST है? हाँ, ऑल इंक्लूसिव, GST पैड, ऑल ओवर इंडिया वारंटी। नेक्स्ट बोर्ड है Z590 थॉमक वाईफाई, फुल ATX बोर्ड, 4 रैम स्लॉट, NVMe स्लॉट, हीट सिंक के साथ में, इसमें NVMe हीट सिंक भी है और इसमें RGB भी है मेन, जो गेमर्स को चाहिए। तो क्या प्राइस है इसका? प्राइस 23800। नेक्स्ट मॉडल है Asus का Z590 ई वाईफाई गेमिंग। ओके, मतलब ये टॉप एंड मॉडल है Z590 सीरीज में, गेमिंग सीरीज। ओके, और फुल RGB मदरबोर्ड है, 4 रैम्स के स्लॉट, NVMe सपोर्ट, सब कुछ है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, 31500। ओके, 31500। हम लोग नॉर्मल मदरबोर्ड्स देख रहे हैं, 10 जेन 11 जेन के मदरबोर्ड्स, इनमें प्राइसिंग अच्छा खासा कम हुआ, क्योंकि अभी जो 660 सीरीज आ रहे हैं उसके लिए ये सारे मदरबोर्ड्स के प्राइसेस जरा कम हुए हैं। तो 12 जनरेशन चालू हो गया है, प्राइसिंग एग्रेसिव है, परफॉर्मेंस अच्छा है, इसके लिए इसका थोड़ा प्राइसिंग ड्रॉप होना चालू हो गया है। ओके, मतलब 10th 11th जेन के मदरबोर्ड्स के भी प्राइसेस ड्रॉप होना चालू हो गए और प्रोसेसर्स के भी प्राइसेस जरा जरा ड्रॉप होना चालू हो गए। ओके, तो अभी आते हैं 12th जेन के मदरबोर्ड्स के सीरीज, H610 गीगाबाइट का, दो रैम स्लॉट, NVMe स्लॉट के साथ में है, ये प्राइस है 6650। ओके, 6650, यस, बेसिक बोर्ड 12th जनरेशन स्टार्टिंग। मतलब स्टार्टिंग मदरबोर्ड्स के भी प्राइसेस इंटेल ने इतने एग्रेसिव रखे है, बहुत लोग अभी इंटेल में शिफ्ट हो रहे हैं इसके वजह से। हाँ, अभी राइजन का समझो क्रेज खत्म, 12 जनरेशन आ गया, तो राइजन थोड़ा स्लो हो गया और 12 जनरेशन मूवमेंट फास्ट हो गया। अच्छा, तो अभी आते B660 पे। B660 के भी मैं देख रहा हूँ आपके पास दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, B660 गेमिंग और B660 गेमिंग AC। तो इसमें दोनों में क्या फर्क है? दोनों ऑलमोस्ट सेम है, पैकिंग भी सेम है, तो इसमें क्या फर्क है? इसमें जो बोर्ड दूसरा है AC बोर्ड, वो विद वाईफाई है। ओके, और बाकी कुछ फर्क नहीं है? बाकी कुछ फर्क नहीं, एक विदाउट वाईफाई, एक विद वाईफाई है। ओके, तो क्या प्राइस है इसका? प्राइस
इसका जो मॉडल है ये जो गेमिंग का DDR4 ये 9500 का बोर्ड है। ओके 9500 का बोर्ड है। यस ओके। और टॉकिंग अबाउट एसी का कितना प्राइस में डिफरेंस है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये 10600 का बोर्ड आएगा वाईफाई के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड है Z690 ASUS का है, प्राइम Z690 PD4। इसका प्राइस है 19500। इसमें NVMe स्लॉट, रैम स्लॉट प्लस NVMe हीटसिंक, रेगुलर जो फुल ATX बोर्ड आ गया। ओके प्राइस 19500। तो अभी आते हैं Z690 D4 के ऊपर। यस प्लस D4 ASUS का बोर्ड, टॉप गेमिंग सीरीज, फुल ATX। तो क्या प्राइस है अभी इसका? इसका प्राइस है 21500। ओके। और अगर मैं आपको एक स्पेसिफाई कर दूं, ये जो D4 लिखे है सारे मदरबोर्ड पे, ये DDR4 सपोर्ट है, और जिसपे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा वो DDR5 RAM सपोर्ट रहेगा। DDR5 आएगा। ओके आपके पास D5 मतलब DDR5 RAM के मदरबोर्ड अभी करेंटली अवेलेबल नहीं है, तो एक मुझे अप्रोक्स रेंज बता दो, ये DDR5 RAM मदरबोर्ड का क्या आएंगे? DDR5 के रेंज इससे थोड़े से अपर है, ज्यादा कोई वेरिएंट में फर्क नहीं, बट DDR5 RAM ज्यादा कॉस्टली, थोड़ा सा बजट अप हो जाता है। ओके। और कोई पुश भी नहीं कर रहा है अभी, कैसे RAM के प्राइसेस जरा इतने हाई हो गए हैं DDR5 के, तो ज्यादा लोग DDR5 में नहीं जा रहे। नहीं जा रहे क्योंकि प्राइस अच्छे खासे यहाँ पे है। अभी क्या है, जैसे अभी मार्केट थोड़ा पिकअप होएगा तो वो भी ऑलमोस्ट प्राइस ड्रॉप चालू हो जाएगा उसका। अच्छा, और कब तक एक्सपेक्टेड है, कुछ आपको आइडिया है DDR5 के RAM के प्राइसेस कब तक कम होंगे? ऑलमोस्ट अप्रैल एंड तक। अच्छा, अप्रैल एंड तक कम होना चाहिए। तो ये हो गए सारे इंटेल के मदरबोर्ड। हम लोग ने इंटेल 10 जनरेशन से लेके 12 जनरेशन के सारे मदरबोर्ड कवर कर दिए। ओके सर, तो अभी आते हैं AMD के मदरबोर्ड्स के ऊपर। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से AMD के मदरबोर्ड सारे अरेंज किए हैं, तो स्टार्ट करते हैं AMD के मदरबोर्ड से। तो सबसे स्टार्टिंग में AMD में कौन सा मदरबोर्ड आता है? सबसे स्टार्टिंग में बेसिक जो चिपसेट है A320 है, गीगाबाइट का, 2 रैम स्लॉट, NVMe स्लॉट, ये बोर्ड है 4200 का। ओके 4200 में आता है। यस। नेक्स्ट बोर्ड है गीगाबाइट का B450M DS3H V2, 4 रैम स्लॉट है प्लस इसमें NVMe स्लॉट भी है, इसकी प्राइस है 5500। ओके 5500 में आ जाएगा। यस। नेक्स्ट बोर्ड है A520M MSI विद वाईफाई के साथ में आएगा, 2 रैम स्लॉट, NVMe स्लॉट, इसकी प्राइस है 6500। ओके। और इसमें मेन मतलब जो हीट सिंक है, ये प्राइसेस में कंपनी हीट सिंक भी प्रोवाइड कर रही है NVMe SSD में। तो अभी आते हैं B550 प्रो VDH वाईफाई। ये जो मदरबोर्ड है ये बहुत ही रिक्वेस्टेड मदरबोर्ड है, और बहुत लोग ये मदरबोर्ड पे ही बिल्ड करते हैं। तो क्या प्राइस है इसका? ये B550 प्रो VDH वाईफाई, 4 रैम स्लॉट, NVMe स्लॉट, इसकी प्राइस 11500 रुपए। ओके 11500 रुपए। 11500। नेक्स्ट बोर्ड है B450 एरोस एलाइट, 4 रैम स्लॉट, NVMe स्लॉट, और प्लस इसका जो प्राइसिंग है ये 9000 का बोर्ड है। नेक्स्ट बोर्ड B550 ओरस प्रो पी, 4 रैम स्लॉट, NVMe स्लॉट, माइक्रो ATX, इसकी प्राइस है 12500। ओके। नेक्स्ट बोर्ड B550 ओरस एलाइट X V2, इसमें 4 रैम स्लॉट, 2 NVMe स्लॉट, फुल ATX, की प्राइस है 15200। नेक्स्ट बोर्ड X सीरीज X570 गेमिंग X, इसमें 4 रैम स्लॉट, 2 NVMe स्लॉट, फुल ATX, की प्राइस है 15700। नेक्स्ट बोर्ड X570 A Pro MSI, इसमें भी 4 रैम स्लॉट, 2 ग्राफिक कार्ड स्लॉट, 2 NVMe स्लॉट, फुल ATX बोर्ड, इसकी प्राइस है 16200। ओके। और नेक्स्ट बोर्ड है गीगाबाइट का X570 UD। ओके UD सीरीज है। यस UD सीरीज है, फुल ATX, 2 ग्राफिक कार्ड स्लॉट, NVMe स्लॉट, फुल ATX, की कॉस्टिंग जाती है 17200। नेक्स्ट बोर्ड है X570 गीगाबाइट का ओरस प्रो, ये टॉप एंड मॉडल है सबसे X570 में। फुल साइज बोर्ड है, 4 रैम स्लॉट, 2 NVMe स्लॉट, 2 ग्राफिक कार्ड स्लॉट, की कॉस्टिंग है 20500। ओके मतलब हम लोगों ने अभी सारे AMD के मदरबोर्ड्स कवर कर लिए, जो भी मेन सीरीज था AMD के सारे कवर कर लिए। और गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं, मदरबोर्ड्स में बहुत अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल है, तो जो भी अभी करेंटली अवेलेबल था मेन मतलब मैंने सारे ही मदरबोर्ड्स कवर किए इंटेल सीरीज AMD सीरीज में, तो जितने भी अवेलेबल थे हम लोग ने सारे मदरबोर्ड्स कवर किए ये वीडियो में। ओके सर, तो अभी आते हैं इंटेल के प्रोसेसर्स के ऊपर। इंटेल के प्रोसेसर हम लोग देख रहे हैं, आपने जितने भी अभी आपके पास अवेलेबल है सारे अपने लगा दिए है लाइन से। तो अभी स्टार्ट करते सबसे पहले 10 जनरेशन से। 10 जनरेशन में आपके पास अभी कितने प्रोसेसर्स अवेलेबल है? 10 जनरेशन i3 10, i5 10, i5 11 जनरेशन। ओके तो i5 10105F, इसकी कॉस्टिंग है 6750। नेक्स्ट प्रोसेसर है i5 10 जनरेशन 10400F, इसकी प्राइसिंग है 11400। नेक्स्ट प्रोसेसर i5 11 जनरेशन 11400F, इसकी कॉस्टिंग है 12800। और अभी है i12 जनरेशन i3 12 जनरेशन 12100F, इसकी कॉस्टिंग है 9500। नेक्स्ट i5 12 जनरेशन 12400F, इसकी कॉस्टिंग है 16400। नेक्स्ट प्रोसेसर है i7 12 जनरेशन 12700K एडिशन है, ये है 39000 का, 4 कोर 8 थ्रेड 25 MB कैच मेमोरी के साथ में। और इसके बाद i9 12 जनरेशन
जनरेशन और ये अभी सबसे टॉप एंड बोल सकते हैं हम लोग। ये टॉप एंड मॉडल है, इसकी कॉस्टिंग है 53,500, 30 MB कैच के साथ में 8 Core 8 Thread। ओके गाइस, टू बी स्पेसिफिक मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेसर है ये i9-12900K सीरीज है। तो ये हो गए सारे इंटेल 12 जनरेशन 10 जनरेशन 11 जनरेशन प्रोसेसर के प्राइसेस। तो अभी आते हैं सर AMD में क्या प्राइसेस चालू है। AMD के अंदर स्टार्टिंग रेंज है APU ड्यूअल कोर प्रोसेसर A6 7480 बेसिक प्रोसेसिंग के लिए, इसकी प्राइस है 3300। नेक्स्ट प्रोसेसर राइजन 4 है, राइजन 5 3600, ये 6 Core 12 Thread है, इसका कॉस्टिंग है 17,000। नेक्स्ट प्रोसेसर AMD राइजन 3500, ये 6 Core 6 Thread है, इसकी कॉस्टिंग है 12,600। नेक्स्ट प्रोसेसर AMD 5600G, इसमें ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं रहती है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, 6 Core 12 Thread है, ये 23,000 का प्रोसेसर है। नेक्स्ट राइजन 7 5700G, इसमें भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, डायरेक्ट डिस्प्ले देता है, 8 Core 16 Thread है, ये इसकी कॉस्टिंग है 28,500। नेक्स्ट प्रोसेसर राइजन 9 5950X। ओके, मतलब टॉप एंड मॉडल, ये टॉप एंड मॉडल है, कॉस्टिंग है 59,500, 16 Core 32 Thread। नेक्स्ट प्रोसेसर है राइजन 7 5000X, इसकी कॉस्टिंग है 33,250, ये 8 Core 16 Thread के साथ में। ओके, तो ये हो गए सारे AMD प्रोसेसर्स और इंटेल प्रोसेसर तो हम लोगों ने कवर कर लिए, प्लस AMD मदरबोर्ड्स भी कवर कर लिए और इंटेल मदरबोर्ड्स, ये रहे इंटेल मदरबोर्ड्स भी हम लोगों ने कवर कर लिए। तो थैंक यू सो मच सर, और गाइस ये था पूरा वीडियो अबाउट प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड्स। पर सर मुझे एक चीज पूछना है आपको, ये जो भी प्रोसेसर्स हमने बताया ये सारे सिंगल यूनिट के प्राइसेस है, कुछ बंडल के प्राइसेस नहीं है? नहीं, ये इंडिविजुअल प्राइसेस है, पीसी बिल्ड भी कर रहे हैं तो थोड़े प्राइसिंग थोड़े से डाउन हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, मतलब कितने तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कुछ, अगर बंडल में कितने परसेंट डाउन हो सकते हैं? बंडल में बोर्ड प्रोसेसर कॉम्बो में 200 से 300 रुपए, और बोर्ड प्रोसेसर कॉम्बो के लिए गाइस सर को आप मैसेज कर सकते हो, सर का जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लस सर आपका जो शॉप है ये आता किधर है? अपना शॉप थाना वेस्ट में स्टेशन पे है, नियर भारत सहकारी बैंक, वॉकिंग डिस्टेंस 3 मिनट्स। और सर मुझे एक चीज बताना, मैंने बहुत लोगों से सुन रहा हूँ आपने खुद का एक यूट्यूब चैनल चालू किया है। यस गाइस, तो सबसे रिक्वेस्ट है, हमने नया यूट्यूब चैनल चालू किया पार्श्व कंप्यूटर के नाम से, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे टॉप में अपना ही नाम आएगा। ओके, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर लो। ओके, तो गाइस मैंने सर का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जरूर आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कुछ भी कर सकते हो। सर नए नए पीसी बिट्स डालते रहते वो चैनल पे, तो एक बार विजिट कीजिए चैनल को, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस ये था पूरा वीडियो, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द विशेस कम टू गाइस।